आज हम लोग कंप्यूटर का लेक्चर पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर का एग्जाम्स उसका पैटर्न कैसा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स रहने वाला है जो कि 15 मार्क्स के लिए आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग को लॉन्ग आंसर है वो भी आएगा 15 मार्क्स के लिए। ओके, ये साइड वाले को दिख रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें तुम लोग को MySQL करके कुछ आने वाला है 15 मार्क्स के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सेम MySQL टॉपिक है 15 मार्क्स के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सेल 15 मार्क्स के लिए। ऐसा टोटल तुम लोग का पेपर कितने का होने वाला है? 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 25 मार्क्स तुम लोग को कॉलेज वाले देंगे प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल भी इन दोनों के ऊपर बेस रहता है, MySQL एंड एक्सेल। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ये तीनों के ऊपर बेस रहता है। ओके, तुम लोगों का मेजर टॉपिक कौन सा है? MySQL और एक्सेल। दूसरा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का एक टॉपिक है जो कि तुम लोग नहीं पढ़ा तो भी खुद से लिख सकते हो, जनरल नॉलेज के ऊपर लिख सकते हो, लैन वैन मैन लोकल एरिया नेटवर्क उससे रिलेटेड रहने वाले। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे MySQL से। MySQL कभी सुना है? नाम सुना है MySQL? पहली बार सुन रहे है? ओके, MySQL नॉर्मली एक्सेल सुना होगा। एक्सेल में क्या करता है हम लोग, क्या करता है? डेटा एंट्री करता है, मतलब डेटा स्टोर करता है। सेम MySQL भी वही काम करता है। ओके, डेटा मैनेज करने का काम किसका? MySQL का। ओके, तो MySQL का फुल फॉर्म क्या? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो यूज कैसा होता है? फॉर एग्जांपल मेरा इधर रोल नंबर है, रोल नंबर बनाना है, नेम का कॉलम बनाना है, स्टैंडर्ड, ओके स्टैंडर्ड का कॉलम बना लेते। ओके, और डेट ऑफ बर्थ ऐसा। ओके, इधर क्या आएगा? 1 2 3 4 ए बी सी डी स्टैंडर्ड एफ वाई एस वाई टी वाई एफ वाई डी ओ बी 20 ऐसा बना लेते। ओके, तो ये टेबल बनाने को आना चाहिए, ये टेबल बनाने का काम ही पूरा होने वाला है अपना। ओके, तो उसमें तुम लोग को एक चीज पता रहना चाहिए, अभी रोल नंबर, रोल नंबर के अंदर नंबर्स है तो डेटा टाइप कौन सा हो गया? नंबर्स हो गया। ओके, नेम, नेम में क्या है? अल्फाबेट से। ओके, मतलब वो कैरेक्टर डेटा हो गया। ओके, स्टैंडर्ड ये क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया, अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट से कैरेक्टर हो गया। ये डीओबी, ये डेट डेटा टाइप हो गया, नंबर नहीं होता है, ये नंबर नहीं होने वाला है, ये डेट डेटा टाइप अलग से होने वाला है। ओके, तो तुम लोग फॉर्म कैसा करेंगे पता चला? नॉर्मली मैं बताता हूँ, इसका कोडिंग रहता है। कोडिंग कैसा होगा? हम लोग को क्रिएट करना है ये टेबल का नाम स्कूल। ओके, तो क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल स्कूल। ओके, सब सिखाएगा ये, सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूं क्या करना है हम लोग को। द ब्रैकेट ओपन, पहला क्या है? रोल नंबर। अब इसका डेटा टाइप क्या बोला? नंबर। हाँ, तो मैं INT लिखता उसका। ओके, INT शॉर्ट फॉर्म लिखता, मतलब मैं बताएगा वो सब। और इधर क्या, एक लाइन आया तो लाइन के लिए हम लोग कॉमा डालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेम है, नेम अल्फाबेट है तो मैं कैर लिखूंगा, फिर से लाइन आया कॉमा कर दिया मैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड, इधर क्या कैरेक्टर है? कैर कर देता हूं, कॉमा कर दिया क्योंकि वो लाइन मारना है। डीओबी, डीओबी का अलग, सिर्फ डेट। ओके, खत्म हो गया, लाइन मारना है क्या? नहीं मारना है, क्लोज करना है, खत्म करना है, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन और एंटर किया कि वो टेबल बन जाएगा। टेबल के अंदर क्या है वो नहीं बना, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, होता है समझा? ओके, ये मतलब मैं बेसिकली बताया तुम लोग को ये काम करना है, और इतना लिखने का तुम लोग को 7 से 8 मार्क्स मिलने वाला है। यस, इतना लिखने का 7 से 8 मार्क्स मिलने वाला है, समझ में आप? ठीक है, अभी हम लोग स्लोली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिख के लो, हेडिंग दो MySQL।
डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है पता है? नहीं पता अभी तो पता है तो वो कॉलम बना के, हाँ वही उसमें से डेटा टाइप है, नंबर डेटा, कैरेक्टर डेटा। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर डेटा लेते हैं। लिखो ना डेटा टाइप, लिखना चालू कर लो। हेडिंग लिखा कैरेक्टर डेटा, उसके नीचे लिखो इट कैन बी स्टोर्ड कैसा भी लिखो, इट कैन बी स्टोर्ड विथ फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ, इट कैन बी स्टोर्ड विथ फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ। लिखा हुआ वो? अभी कैरेक्टर तो नॉर्मल समझ में आया, अभी फिक्स लेंथ क्या है, वेरिएबल लेंथ क्या है। अगर जब भी हम लोग को फिक्स लेंथ डिनोट करना है, फिक्स लेंथ देना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सिर्फ कैर। फॉर एग्जाम्पल उसके साथ कितना जगह देना है उसको, 10 जगह देना है, ऐसा मैंने डिनोट किया। ओके अभी उसके अंदर अभी मैंने कॉलम बनाया है, कुछ नेम का कॉलम है और नेम में राहुल लिखा। ओके तो कंप्यूटर से कितना जगह लिया इसने, 5 का जगह लिया, लेकिन हम लोग ने फिक्स लेंथ बोला है तो इसके लिए भी वो 10 स्पेस ले लेगा, समझा? 10 स्पेस ले लेगा। तो कैर कब यूज होता है? फिक्स लेंथ के लिए। वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ के लिए हम लोग डिनोट करेंगे वेर कैर, वेरिएबल लेंथ। क्वेश्चन में वेरिएबल लेंथ डिस्प्ले करने बोला तो क्या यूज करने का? वेर कैर। कुछ नहीं बोला है कोई भी यूज कर सकता है, फिक्स लेंथ बोला है तो कैर यूज करने का। अभी फॉर एग्जांपल इधर भी मैंने 10 ले लिया, ओके और यहां पे मैंने यूज किया राहुल। अभी ये कंप्यूटर का कितना स्पेस लेगा? सिर्फ 5 ही स्पेस लेगा, मतलब जितना यूज किया उतना ही लेगा। फिक्स में कितना बोला वो हर टाइम उतना ही लेते जाएगा, समझा? क्यों यूज हो रहा है, इतना क्लियर? ओके नेक्स्ट उसके अंदर ही पॉइंट लिखो फिक्स लेंथ, फिक्स लेंथ। उसका एक्सप्लेनेशन लिखो फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग आर राइट पैडेड विथ स्पेस, आर राइट पैडेड विथ स्पेस एंड ऑलवेज कंज्यूम एंड ऑलवेज कंज्यूम सेम नंबर ऑफ बाइट्स। मैक्सिमम लेंथ इज 255 बाइट्स, मैक्सिमम लेंथ इज 255 बाइट्स। मैक्सिमम लेंथ इज 255 बाइट्स। एग्जाम्पल लिखो कैर 10, उसके नीचे लिखो एग्जाम्पल कैर 10। मैक्सिमम लेंथ इज 255 बाइट्स। इतना क्लियर? कुछ ऐसा जो लिख के दिया वो समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? समझा? सब समझा? मैं पूछू? ओके उधर क्या लिखा है? वही लिखा है जितना स्पेस दिया है उतना स्पेस लेगा, समझा? मतलब 10 लिया है तो 10 स्पेस देगा। लेकिन उधर और एक चीज है, राइट पैडेड। मतलब क्या है राइट पैडेड? उधर लिखा है ना फिक्स लेंथ स्ट्रिंग आर राइट पैडेड विथ स्पेस। ओके राइट पैडेड आया, मतलब क्या है कि अगर वो ले रहे राहुल, वो दूसरा कोई ना कोई साइन यूज करेगा कि 10 नंबर पहुंचे,
कोई स्टार हो, 1 2 3 4 5, टोटल कितना कैरेक्टर हो गया? 5. टोटल 10. ओके, समझा? तो राइट पैडेड कर देगा, राइट में कुछ ना कुछ उसका सिंबल डाल देगा 10 स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए. तो ये राइट पैडेड होगा क्या? नहीं. तो उसका एक्सप्लेनेशन वैसे ही आएगा. ओके, लिखो. सेकेंड बी, वेरिएबल लेंथ. वेरिएबल लेंथ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग are not right padded with space. And do not always consume same number of bytes. Maximum length is 65,000 by 35 bytes. Length is 65,000 by 35 bytes. हो गया? हेडिंग द टेक्स्ट डेटा, उसके अंदर ही डेटा टाइप में टेक्स्ट डेटा. सेकंड एग्जांपल वर्कर 10 लिख ले, जैसे कैट 10 लिखा था वैसा वर्कर 10 लिख ले. टेक्स्ट डेटा क्यों यूज किया जाएगा? मैसेज तो वो तो कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं ना. मैं कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ. मैं कैरेक्टर क्या बोला तुम लोग? अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं. टेक्स्ट क्या है? तुम लोग अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं. दोनों मतलब एक ही है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है. नंबर्स यूज कर सकते हैं. टेक्स्ट में नंबर्स यूज नहीं कर सकते. ओके, तुम लोग एड्रेस के लिए टेक्स्ट डेटा डाल रहे हो तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एड्रेस में रूम नंबर वो सब देना पड़ता है. ओके, तो उस हिसाब से तुम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा. टेक्स्ट डेटा लिखा, उसके नीचे लिखो द वेरिएबल टेक्स्ट टाइप एंड देयर मैक्सिमम लेंथ साइज आर एज फॉलोस. नेक्स्ट और कौन सा डेटा टाइप है? एक न्यूमेरिक है. ओके, न्यूमेरिक के अंदर तीन टाइप आता है. एक बुलियन टाइप मतलब मेल फीमेल, वो तो सिलेक्ट एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग. हाँ, ट्रू फॉल्स. उसके बाद आता है इंटीजर, जो कि प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर्स रहने वाला है. ओके, उसके बाद तीसरा टाइप कौन सा? डेसिमल्स. ओके, न्यूमेरिक के अंदर मैंने क्या बोला? तीन टाइप, बुलियन, इंटीजर और डेसिमल. उसके बाद कौन सा टाइप है? क्या बोला? अल्फाबेट्स हो गया, रोमन नहीं आएगा. ओके, वो बुलियन में आ रहा है ना. न्यूमेरिक के अंदर बुलियन, बुलियन ट्रू और फॉल्स दोनों तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, कोई तो एक ही. दूसरा डेट एंड टाइम. डेट डेटा टाइप. ओके, ठीक है, लिख के लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट हेडिंग दो, डेटाबेस इंपॉर्टेंस. इस नया पेज में लिखा तो भी चलेगा, यहां से सब इंपॉर्टेंट हो गया.
डेटाबेस, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स मेक्स अ डेटाबेस। लिखा अभी डेटाबेस का मतलब क्या? सबसे पहला सिंपल, हम लोग MySQL क्यों कर रहे हैं? डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब टेबल में डेटा स्टोर होने वाला है, टेबल ड्रॉ करना है। अभी मैं तुम लोगों को टेबल ड्रॉ करने बोला, अभी डायरेक्ट ड्रॉ करने वाला। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? बुक में ड्रॉ करेंगे ना। ओके, बुक में ड्रॉ करेंगे तो बुक तो होना जरूरी है। तो सिंपल, डेटाबेस मतलब अपना बुक, बुक बुक बनाना पड़ेगा, बुक ओपन करना पड़ेगा, फिर टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो बुक बनाने के लिए डेटाबेस यूज होता है। हेडिंग दो, उसके अंदर हेडिंग, मेन हेडिंग। हाँ, क्रिएट डेटाबेस। यहां से कोडिंग चालू, हाँ यहां से कोडिंग चालू, एक एक चीज। एक्सप्लेनेशन लिखो, इट इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस ये लिख के लो। सिंटेक्स मतलब फॉर्मेट, सिंटेक्स मतलब क्या है? फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में तुम लोगों को कोडिंग लिखना है। समझ में आया? कोडिंग लिख जल्दी। सिंटेक्स का कुछ नहीं है, मैं सिंटेक्स के अंदर ही आता है। हाँ नहीं, तुम लोग केस सेंसिटिव नहीं है, अपर केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, मतलब छोटा अल्फाबेट लिख सकते हैं, बड़ा अल्फाबेट लिख सकते हैं, कैसा भी लिखो। जल्दी अभी अभी तुम लोग बुक पे नाम लिख रहे हो, अभी युक्ति का नाम लेता हूं मैं, क्योंकि तो थोड़ा फेमस हो जाएगा। तो युक्ति नाम से हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना है, बुक बनाना है, तो कैसा रहेगा? ये फॉर्मेट रहेगा, क्रिएट डेटाबेस। कौन सा नाम से चाहिए? डेटाबेस का नाम क्या चाहिए? डेटाबेस का नाम क्या चाहिए? ओके, अभी फुल स्टॉप डालेगा तो हम लोग को समझ में आया, खत्म हो गया। कंप्यूटर को समझना चाहिए, उसके लिए हम लोग सेमीकोलन। समझा? इसमें क्या हुआ? बुक सिर्फ बन गया, बुक क्रिएट हुआ है। समझ में आया? ओके, मैं एक दो एग्जांपल और लिख रहा हूं, तुम लोग लिख लो। एग्जांपल है, देखो अभी मैंने क्या क्रिएट किया, बुक क्रिएट किया। अभी टेबल ड्रॉ कर सकता हूं मैं? नाम है ना, अरे वो तो टेबल में बनेगा ना, क्रिएट टेबल, तभी तो कॉलम्स बनेगा ना। तो मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ क्या पूछा? मैं क्रिएट कर सकता हूँ क्या पूछ रहा हूँ? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? बोलो क्यों नहीं कर सकता? अरे कैसा कमांड? ओके
ओके ये देख नॉर्मली कैसा हम लोग ने क्या किया है अब तक, एक बुक लिया डेटाबेस, इधर नाम लिखा डेटाबेस और तुम लोग का नाम लिखा खुद का बुक, खोलना पड़ेगा ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए कमांड है यूज। लिखो ना सेकंड पॉइंट, हाँ हाँ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट यूज। लिखो इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू ओपन डेटाबेस, उसके अंदर सिंटैक्स लिखो, ओके तो एग्जांपल क्या रहेगा, फर्स्ट ये डेटाबेस ओपन हो गया, सेकंड ध्यान दो ओके यूज युक्ति, क्या हो गया युक्ति का बुक ओपन हो गया ओके अभी दूसरा इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो कमांड दो काम एक साथ कर रहा है, क्या कर रहा है एक अमोल का बुक ओपन कर रहा है उसके पहले युक्ति का बुक क्लोज कर रहा है, समझ में आया यूज किसके लिए यूज होता है। ओके लिखो एग्जांपल फर्स्ट, ओके लिखा एक्सप्लेनेशन लिखो, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू सी लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस, इट इज यूज्ड टू सी देखना सी डेटा बेसिस लिस्ट ऑफ डेटा बेसिस। ओके सिंपल, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद हम लोग ने ओपन करके देखा, अभी मुझे देखना है कि कितना लिस्ट बना है, कितने जन का नाम का डेटाबेस बना है, कितने जन का बुक बना है, समझ में। तो उसके लिए क्या बनाया हम लोग ने शो डेटाबेसेस, इधर तुम लोग का पहला मिस्टेक जब भी तुम लोग टाइप करोगे शो डेटाबेस बी ए एस ई उतना ही लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे, लास्ट में एस होना जरूरी है नहीं तो एरर बताएगा। ओके इसमें क्या होने वाला है, तुम लोग को लिस्ट दिखेगा कितना जन का बना है, राहुल अमोल ऐसा ऐसा सिर्फ लिस्ट दिखेगा और कुछ नहीं दिखने वाला है, समझ में आया। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ फोर्थ पॉइंट, ओके ड्रॉप डेटाबेस लिखा, ड्रॉप डेटाबेस मतलब डिलीट करना, ड्रॉप करना मतलब डिलीट करना, हम लोग को कोई बुक डिलीट करना है निकाल देना है, हम लोग क्या सिंटैक्स यूज करेंगे ड्रॉप डेटाबेस और उसका नाम डेटाबेस का नाम। ओके तो कैसा रहेगा एग्जांपल वन, ड्रॉप डेटाबेस यूटी, समझ में आया समझ में आया। ओके एक्सप्लेनेशन लिखो एक लाइन का ही है छोटा सा,
टू डिलीट डेटाबेस। इतना क्लियर है? ओके, डेटाबेस से रिलेटेड ये चार पॉइंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट किया। दूसरा पॉइंट क्या है, यूज किया। तीसरा पॉइंट क्या है, शो किया। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉप किया, डिलीट किया। ये सिंटैक्स तुम लोग को याद होना जरूरी है। सिंटैक्स याद रहेगा तो ही तुम लोग आंसर लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिएट टेबल, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, 7 मार्क्स कंफर्म। ओके, उसके नीचे लिखो, इट इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस। ओके, मुझे अनिल का टेबल बनाना है, इस फॉर्मेट में बनाना है, तो उसके लिए मुझे कोडिंग देना पड़ेगा। ओके, कोडिंग हम लोग ने सीखा है, थोड़ा बहुत तो सीखा, ज्यादा नहीं सीखा फिर भी। ओके, तो कैसा देगा, सबसे पहला क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, अनिल। ये पहला गलती, क्या किया मैंने, क्रिएट टेबल अनिल और सेमीकोलन डाल दिया। नहीं, सेमीकोलन नहीं डाल दिया, तुम लोग करने वाले गलती, उसके लिए मैं पहले ही बोल के रखा। ओके, ये होने वाला गलती, तो वो नहीं डालने का। क्यों नहीं डालने का, कंटिन्यू टेबल बनना चाहिए ना। ओके, ब्रैकेट ओपन किया, पहला कॉलम का नाम क्या है, RNO। अभी तुम लोग बताओ RNO मतलब क्या, नंबर रहने वाला है, क्या यूज करूंगा मैं, इंटीजर, स्मॉल INT, बिग INT, जो हम लोग ने लिख के लिया था ना डेटा टाइप में, उसमें से कुछ यूज कर सकते, मैं यूज करता स्मॉल INT। ओके, अभी वो लाइन मार रहा है, कॉमा। नेक्स्ट क्या है, नेम, कैरेक्टर है, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर लेता हूं, फिक्स लेंथ ले लिया मैं। ओके, फिर क्या है, कॉमा कौन डालेगा। ओके, सैलरी, INT ले सकता है सैलरी, हम लोग सैलरी कभी भी डेसिमल में नहीं देते है, मिलेगा 10,000.50 मतलब इंटीजर लेता हूँ मैं, INT ले सकता हूँ। ओके, कॉमा है, कमीशन। ओके, कमीशन को हम लोग डेसिमल में दे सकते हैं। ओके, डेसिमल कैसा लिखते है, 8.2। 8.2 का मतलब क्या है, टोटल 8 कैरेक्टर है, उसमें से 2 डेसिमल है, मतलब 0.00। ये टोटल 8 है बराबर, और 2 डेसिमल, मतलब कितना हो गया, 6 इंटीजर 2 डेसिमल, उस हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। हाँ, ओके, समझा, समझा। ओके, नेक्स्ट क्या है, कमीशन हो गया, बोनस, क्या करूं, INT, स्मॉल INT दे दू, बिग INT, स्मॉल INT, टाइनी INT, कौन सा लेना ले सकता है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, फिगर अगर बड़ा हो रहा है, तुम लोग का इधर है कॉन्टेक्ट नंबर और स्मॉल INT यूज कर रहा है, टाइनी INT यूज कर रहा है, वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि उधर 10 डिजिट आना चाहिए कॉन्टेक्ट नंबर के लिए, तो बिग INT, INT वो सब यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, खत्म, सब खत्म। ओके, मेन ब्रैकेट क्लोज, यूज कर सकता था कमीशन के उधर,
वो डेसिमल लेना था, अलग ट्राई करना था, उसके लिए मैं डेसिमल लिया। ओके आंसर खत्म। इतना लिखने का तुम लोग को 7 मार्क्स है। हाँ, और इसके लिए ऑप्शन और यही आने वाला है, एक में मिस्टेक किया तो दूसरा तो मिल जाएगा। 7 मार्क्स के लिए ऑप्शन, 7 मार्क्स, बहुत इजी है। नहीं नहीं नहीं, टेबल नहीं दिया रहेगा, वो सेंटेंस में दिया रहेगा और इजी होएगा। हाँ मतलब तुम लोग वो बनाया तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो भी चलेगा, मत ही बनाओ, टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं, वो मैं सिर्फ तुम लोग को सिखाने के लिए मैंने बनाया, समझा, उसका जरूरत नहीं है। तुम लोग को एक पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ के हिसाब से देता हूँ, जस्ट लिख के ले लो, टेबल मत बनाओ, डायरेक्ट आंसर लिखो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ऐसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, राइट अ कोड टू क्रिएट टेबल सुनील। चलो पहला लाइन मिल गया हम लोग को, क्या बोला, क्रिएट टेबल सुनील। एम्प्लॉय नंबर मतलब उसका कॉलम कैसा रहना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर ENO, एम्प्लॉय नंबर क्या रहना चाहिए, ENO, मतलब ब्रैकेट ओपन करूंगा, ENO क्या दिया है, स्मॉल INT, कॉमा, उसके बाद फर्स्ट नेम F_name विथ वेरिएबल लेंथ 15, वेरिएबल लेंथ बोला है मतलब वेर का यूज हो जाएगा। ओके क्या है, F_name वेर कैर 15। ओके नेक्स्ट क्या है, मतलब हम लोग ने ये लिया, नेक्स्ट क्या है, तो इधर क्या लिखूं मैं, L, तो लास्ट नेम क्यों नहीं, ये तो ना ब्रैकेट के अंदर का लिख रहा है ना, तो इधर क्या लिखना चाहिए, L_name। क्यों पता है, हम लोग का दिमाग में वही आएगा, सब ब्रैकेट के अंदर का लिख रहा है, मतलब ये भी ब्रैकेट के अंदर का ही आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखना इसके बीच में स्पेस है, जब भी कॉलम कॉलम नेम लेते हैं ना उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस डिसअलाउ रहता है। ओके इसके बीच में स्पेस है क्या, नहीं है, उसके लिए वो अपना कॉलम नेम, इसमें क्या हो गया, ये अपना कॉलम नेम आ गया। ओके क्या ये इधर स्पेस चले, कॉलम नेम क्या कह रहा है, ये कॉलम नेम है वैसा, ये भी वेर कैर है, वेर कैर 10 कॉमा सैलरी इंटीजर पॉजिटिव, इंटीजर मतलब मैं INT लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का तुम लोगों ने कुछ देखा था अभी पहले, पॉजिटिव के लिए प्लस साइन दो, तुम लोगों ने क्या लिखा था, कुछ इंटीजर में लिखा था कि इंटीजर में 3 कॉलम बनाया था, एक साइन एक अनसाइन, साइन में क्या किया था माइनस साइन भी था और अनसाइन में माइनस साइन था क्या, नहीं जीरो से आगे सब बराबर, तो पॉजिटिव के लिए अनसाइन कॉमा बोनस INT ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, मिल गया 7 मार्क्स, समझा, कुछ डाउट है, इजी लग रहा है, हाँ ओके लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है शो टेबल्स, अच्छा शो टेबल्स ऐसा करके कुछ तो था, टेबल्स नहीं कर लेकिन दूसरा कुछ तो था, क्या पॉइंट था, शो डेटाबेसेस, उसमें क्या बोला था मैंने कि डेटाबेस कितना क्रिएट हुआ है सबका नाम दिखेगा, सेम टेबल भी वही सेम, शो टेबल्स का भी जितना टेबल्स क्रिएट किया है सबका नाम दिखेगा। ओके तो उसका सिंटेक्स क्या आएगा, एग्जांपल शो टेबल्स, ये क्लियर है। ओके नेक्स्ट DESC डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब क्यों यूज करते पता है, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए, स्ट्रक्चर मतलब वो हम लोग लिखा था ना रोल नंबर नेम, टेबल में क्या क्या बनाया हम लोग ने, कितना कॉलम्स बनाया है, वो सब देखने के लिए, कॉलम का डेटा टाइप क्या है,
वो सब दिखाता है डिस्क्राइब, समझा, सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाने का काम है। तो उसका एग्जांपल क्या रहेगा, सिर्फ ऐसा किया कि वो स्ट्रक्चर दिखा देगा, क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर। नेक्स्ट ड्रॉप टेबल, इसके पहले हुआ था ड्रॉप डेटाबेस, क्या करेगा, डिलीट करेगा, सिंपल है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल और उसका नाम, समझा, समझा, सिंपल है, उसके लिए फास्ट फास्ट जा रहा हूं। नेक्स्ट रीनेम टेबल, मतलब टेबल का नाम अगर हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग रीनेम टेबल यूज करेंगे। तो उसका सिंटेक्स बताता हूं, सिंटेक्स देखो क्या है, रीनेम टेबल मतलब हम लोग लिखेंगे एग्जांपल कैसा लिखेंगे, रीनेम टेबल, ओके, क्या टेबल नाम लिया था, सुनील, ओल्ड टेबल नेम, हम लोग को जिसका नाम चेंज करना है, सुनील टू न्यू टेबल नेम, नील करना, नहीं 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 मेरे को नाम ही चेंज करना है, मैंने गलती से स्कूल डाला था लेकिन मुझे पता चला अरे कॉलेज के स्टूडेंट से, तो रीनेम टेबल स्कूल टू कॉलेज, समझा, क्लियर है, ये क्रिएट टेबल, टेबल से रिलेटेड सब काम खत्म, ओके, इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्टर्स पढ़ेंगे, जो कि टेबल में कुछ चेंजेस करना है, जैसा कि मैंने टेबल बनाया उसमें एक कॉलम ऐड करना है तो अल्टर यूज होगा, एक कॉलम डिलीट करना है तो अल्टर यूज होगा, कॉलम का नाम चेंज करना है तो अल्टर यूज करेगा, या डेटाबेस चेंज करना है तो अल्टर यूज करेगी। ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, अब तक मैंने उसके अंदर इंसर्ट करना नहीं सिखाया, हम लोग क्या स्ट्रक्चर बनाया अब तक, समझा, सबसे पहला क्या किया, डेटाबेस बनाया, बुक बनाया, वो ओपन करना सीखा, डिलीट करना सीखा, बराबर, उसके बाद क्रिएट टेबल किया, टेबल क्रिएट करने के बाद क्या क्या देखा, शो देखा, डिस्क्राइब देखा, ड्रॉप देखा और नाम चेंज करना देखा, समझ में आया, इतना क्लियर है आज का लेक्चर, ओके।